हेलो एवरीवन, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है नैतिक जो बामन देवता बना था, उसे आज बनाया गया है गिरिराज जी, जो कि एक कृष्ण जी का ही स्वरूप है। एंड यहाँ पे बहुत ही क्यूट लग रहा था ये कृष्ण जी बनके, तो यहाँ पे 56 भोग लगाए जा रहे हैं, सब लोग 56 भोग लगा रहे हैं। एंड बहुत खुशी हुई थी देख के कि छोटा सा लग रहा था, क्यूट सा, एंड सब लोग इसको खिला रहे हैं। वो खा खा के उसका मतलब हालत ख़राब हो गई थी, इतना सारा सब कुछ था, उसको खिलाया जा रहा था। 56 भोग आप जानते हो कितना सारा होता है, तो सब लोग उसको एक एक करके खिला रहे थे। एंड बहुत ही क्यूट लग रहा था, सब लोग डांस भी कर रहे थे। तो यही मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। तो गाइज आज मैं जा रही हूँ परिक्रमा करने, तो वृंदावन की परिक्रमा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, एंड थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं ई रिक्शा से परिक्रमा लगाने, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे पहले हम लोग रुकेंगे। तो ये है लड्डू बीच में, बहुत ही क्यूट लग रही थी, एंड यहाँ पे सनग्लासेस लगा के बैठी है। तो यहाँ पे हूँ मैं, वंशिका और नैतिक, जो कि जो नैतिक है यही बना था गिरिराज जी, एंड काफ़ी अच्छा लगा था देख के। तो हम लोग जा रहे हैं अब स्टार्ट करने परिक्रमा। गाइज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं परिक्रमा और यहीं पर एंड करेंगे। तो यहाँ पे सब लोग पैर छूते हैं, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगी, उसके बाद मैं आपको जब एंड करूँगी तब भी यहाँ पे ही हम लोग रुकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं आपको रास्ते में परिक्रमा भी शो कर रही हूँ, एंड जिसको ये मतलब प्लेन या फिर जो भी नहीं देखना चाहता है ये चीज़, तो आप स्किप कर सकती हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। पर मैंने उन लोगों के लिए शेयर किया है जिसको वृंदावन की परिक्रमा देखनी है या फिर करनी है, तो आप लोग घर बैठे कर सकते हो। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने एक क्लिप डाली है, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो गाइज़ देखते रहिए, ये थोड़ी सी क्लिप ऐड की है मैंने वृंदावन की परिक्रमा की। गाइज हम लोग जा रहे हैं यमुना जी के पास से, तो ये सामने है यमुना जी, एंड इनकी जो है आरती की तैयारी हो रही थी। तो 7 बजे से जो है इनकी आरती होती है, तो हम लोग वो आरती नहीं कर पाए थे क्योंकि अभी हम लोग के पास मतलब उतना टाइम नहीं था, तो यहाँ पे वेट करना पड़ता तो फिर हम लोग लेट हो जाते, तो इसलिए हम लोग ने आरती नहीं की थी। तो मैं आपको एक जस्ट व्यू दे रही हूँ यमुना के किनारे का, ये है युगल घाट कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है यमुना जी इस तरह की हैं, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था। शाम के टाइम आप परिक्रमा करते हो अगर गर्मियों में तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में बहुत ही धूप होती है एंड गर्मी की वजह से दिक्कत भी हो जाती है, तो शाम के टाइम ज़्यादा बेटर रहता है जो लोग पैदल लगाते हैं उनके लिए भी एंड रिक्शे से लगाते हैं उनके लिए भी। तो आप लोग प्रेफर कीजिए कि शाम के टाइम लगाएं, गर्मियों में, सर्दियों में भी तो आप कभी भी लगा सकते हो, पर बहुत से लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो दिन में भी लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट यहाँ पे दिखा रही थी किस तरह की परिक्रमा का जो पूरा परिक्रमा होती है वो किस तरह की है, एंड उस टाइम इतनी भीड़ थी कि मतलब निकलना भी मुश्किल था। गाइस बहुत लंबा जाम है, बहुत आगे से पीछे तक सिर्फ आपको ई रिक्शा मिलेंगे।
गाइस परिक्रमा हो गई है पूरी, अब मैं यहाँ पे पैर छू के अब घर को जाऊंगी। तो राधे राधे गाइस, हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, और जो भी इन लोग को पसंद होगा वो खाने। वंशिका, मैं और राघव, मम्मी आई नहीं है, मम्मी थक गई है इसलिए। तो हम लोग जाते हैं, कुछ खा के आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये देखो इन लोगों दोनों को, पागलों को। क्या खाने जा रहे राघव? क्यों क्या खाने जा रहे हो बता दो, क्या पसंद है तुम्हें? ये लो, इन्हें क्या पसंद है वो बंसे को बताए। इन्हें ये नहीं पता कि हमें क्या पसंद है। इन्हें पागल लड़का है ये बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे साउथ सेंट्रल करके एक ट्रक था, ट्रक में इन्होंने ये शॉप खोल रखी है एंड रिसेंटली ही खोली थी। तो मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ इन, यहाँ पे जो है ये देसी घी का ही जो है वो डोसा बनाते हैं। एंड यहाँ पे डोसा साउथ की ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, एंड ये जो भारती वाला है वृंदावन में उसके जस्ट पास में ही है। तो मुझे इसका डोसा ज़्यादा पसंद आया था, पाव भाजी ओके ओके थी। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग चाहते हो तो विज़िट कर सकते हो। एंड यहाँ पे वंशिका खा रही है, वंशिका की फेवरेट पाव भाजी है, तो इसीलिए मैंने पाव भाजी ली थी। एंड मेरा फेवरेट है पनीर डोसा, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया था। पनीर डोसा तो बहुत ही टेस्टी था, पर पाव भाजी उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे पेस्ट्री की शॉप पे लड्डू के लिए पेस्ट्री लेने। तो उसे पेस्ट्री बहुत पसंद है, तो यहाँ से मैंने एक पेस्ट्री ली थी। उसके बाद हम लोग गए थे गोलगप्पे खाने। गाइस, हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं गोलगप्पे जो कि है मेरे फेवरेट, तो मैं खा के आपसे मिलती हूँ। गाइज, ये है दूध जो कि बहुत ही यम्मी था, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। वृंदावन में दूध काफ़ी जगह मिलता है, पर मैंने जो है भारतीय वाले की शॉप थी उससे ट्राई किया था, तो ये काफ़ी अच्छा बहुत ही टेस्टी था। तो मैंने फर्स्ट, वैसे मैं दूध नहीं पीती हूँ, पर मैंने यहाँ पे ट्राई किया और मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। तो केसर बादाम का आपको यहाँ पे दूध मिलता है एंड सिर्फ 50 रुपीज़ का एक गिलास ही आपको देते हैं, तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। एंड ऊपर से ये लोग अच्छे से जो मलाई ऊपर होती है वो डाल के देते हैं, बहुत यम्मी था। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर आप लोग वृंदावन आते हो तो, बहुत ही यम होता है। एंड गाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग मथुरा वृंदावन आए हो एंड आपने पान नहीं खाया है तो आपने कुछ भी नहीं खाया है। एंड ये जो शॉप थी वो है भारती वाले की जो शॉप है, स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट जो था उसके जस्ट बाहर ये लगाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से पान को बनाया था, स्प्रे वगैरह डाल के बहुत ही यूनिक चीज़ें यूज़ की थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये पान। सो गाइज, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर आप लोग यहाँ आते हो, बहुत ही टेस्टी था। एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।